थोड़ा सा पहले अध्यक्ष जी, आज सिविल लाइन आए हैं, क्या ऐसा हो गया कि आप माइक ऊपर करो। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के चुनाव में बुरी तरह हार रही है, इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और उसके परिवार की हत्या करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है। चितपुर से बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौर के ऑडियो से स्पष्ट हो रहा है कि उस जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार की हत्या करने के लिए साजिश रच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निम्न तरह की राजनीति कर रही है। जब जब इस ढंग से वाक्या होते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं के हत्या करने पर तुली रहती है। आपने देखा होगा 1991 में जब राजीव जी तमिलनाडु में प्रचार कर रहे थे तो इसी ढंग से हादसा हुआ था, फिर से इस ढंग से हत्या करने पर तुली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक गरीब परिवार से निकलकर, नौ बार के विधायक, तीन बार के सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे जो एससी वर्ग से आते हैं, इस ढंग से भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा। इस ढंग से साजिश रच के हमारे नेताओं की हत्या करके वहाँ सत्ता पे काबिज होना चाहता है, मगर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। हम आज FIR आपने सिविल लाइन थाने में FIR करवाया है, पूरे देश भर में और हर जिला मुख्यालय में हम लोग FIR करवा रहे हैं। चंदन यादव जी, थोड़ा सा मोबाइल किसका है सामने आ रहा मेरे? हाँ सर, हो गया किशोर भैया, सेम है, सेम है, एक आपको दे रहे हैं, एक रिसीविंग चाहिए। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।